नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बेसिक शिक्षा से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूं। इस न्यूज़ के अनुसार शिक्षकों को लेना होगा वैदिक गणित का प्रशिक्षण, यानी जो शिक्षक हैं उनको अब वैदिक गणित का प्रशिक्षण लेना होगा। साथियों, पिछले साल मैंने कोशिश की थी वैदिक गणित को सीखने की, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वैदिक गणित और मैंने इससे संबंधित कई वीडियो भी बनाई थी। तो अगर वैदिक गणित का प्रशिक्षण होता है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम मुझे तो ये बहुत पसंद है वैदिक गणित। आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर क्या आदेश है और कब ये प्रशिक्षण शुरू होगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या आदेश आया है। ये आदेश प्रेषित किया है निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आया है यह आदेश, और दिया है सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, झांसी, ललितपुर, जालौन, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। जो इन जनपदों के शिक्षक हैं उनके लिए आदेश महत्वपूर्ण है। हालांकि इस आदेश को सभी देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पहले इन जिलों में ये वैदिक गणित का प्रशिक्षण चलेगा, उसके बाद अन्य जिलों में भी ये वैदिक गणित का प्रशिक्षण चलेगा। तो इसका पत्रांक है 27/30/31 और दिनांक है 6/3/2021 और विषय है उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित शिक्षकों का वैदिक गणित में प्रशिक्षण के संबंध में, यानी उच्च प्राथमिक में जो गणित पढ़ाते हैं शिक्षक उनके संबंध में ये आदेश आया है। महोदय, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक SCERT से संबंधित इकाइयां 49/39/2021 दिनांक 7/10/2020 के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के कक्षा 6, 7 एवं 8 के गणित शिक्षकों का वैदिक गणित में प्रशिक्षण राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा कराया जाना है। इस क्रम में संस्थान प्रत्येक जनपद के 2 गणित शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित करेगा, यानी पहले जनपद में से 2 टीचर होंगे गणित के, उनको मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करेगा जो अपने जनपद के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। अतः सीमेट के सभागार में दिनांक 15/3/2021 से 17/3/2021 तक आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु आप अपने जनपद के 2 शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का कष्ट करें, यानी कि अभी जो है 15, 16, 17 तीन दिन जो प्रशिक्षण चलेगा वो जनपद के 2 शिक्षकों का चलेगा, और जब वे वैदिक गणित का प्रशिक्षण ले लेंगे उसके बाद वे समस्त अपने जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं हमारे जनपद में, तो उनको वे शिक्षक प्रशिक्षित करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, वैदिक गणित बहुत ही शानदार गणित है और इसमें कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है। मैंने काफ़ी इस विषय की वीडियो भी बनाई हुई है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी है वैदिक गणित की। मैंने काफ़ी कोशिश की थी पिछली बार इसको सीखने की और उससे संबंधित मैंने वीडियो भी बनाई थी। अगर आप चाहते हैं वैदिक गणित के बारे में जानना तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो साथियों, इतना ही आदेश है। ये आदेश प्रेषित किया है निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने। काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।